वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सलमान और मैं हूं अभी पर मेघालय के कैपिटल शिलोंग से। तो शिलोंग से आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी तो मैं शिलोंग से निकल रहा हूं क्योंकि मैंने दो दिन पहले यहां आया था और एक्सप्लोर किया। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना के डाला यहां का, शिलोंग का जो पुलिस बाज़ार करके मार्केट है ना, यहां एक्सप्लोर किया। बहुत ही अच्छा मार्केट है, मैंने उसके बारे में एक वीडियो बना के डाला है ऑलरेडी। तो मेरे चैनल पर जाओ आप, देखो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को लोग, क्योंकि मैंने एक चोर बाज़ार और एक पुलिस बाज़ार करके वीडियो डाला है। मुंबई का चोर बाज़ार और यहाँ का मेघालय का पुलिस बाज़ार करके दोनों वीडियो को ऐड करके बनाया है। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ चिरापुंजी की तरफ और आज है दिन संडे, तो इसलिए संडे के दिन देखो बिल्कुल सन्नाटा रोड है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं लेकिन रोड तो बिल्कुल सन्नाटा है क्योंकि संडे है, सभी अपने अपने घरों में सो रहे होंगे। क्योंकि भाई साहब आज का दिन तो कोई काम नहीं करेगा क्योंकि संडे के दिन कोई भी काम करना पसंद नहीं करता। यहाँ के पॉपुलेशन की बात कर लें तो अगर 143,000 के आसपास यहाँ पे लोग रहते हैं शिलोंग में सिर्फ, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मेरे हिसाब से। तो अभी के बच्चे को हैं 8:15 और यहाँ पे देखो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। तो फिलहाल मैंने मैप को सेट कर लिया क्योंकि चिरापुंजी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वाटरफॉल है और नॉर्थ ईस्ट में आओ अगर आप वाटरफॉल वगैरह ना जाओ तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो शिलोंग का जो रास्ता है ऐसे घूमते घूमते गुवाहाटी से घूमते घूमते जाकर ऊपर पे रखा हुआ है शिलोंग। तो थोड़ा बहुत क्राउड है क्योंकि यहाँ पे चौराहा है। सिटी से बाहर होंगे तो फिर आप लोगों से मिलते हैं, हिचहाइक करते हैं क्योंकि 56 किलोमीटर है, तो अगर 2 घंटे में हम पहुँच ही जाएंगे अगर जल्दी जल्दी लिफ्ट मिल गई तो। बाईपास जिधर से ट्रक आ रही है वो सीधा गुवाहाटी की तरफ जाता है और मैं इधर से करके ऊपर से आया हूँ ये उस साइड से, तो वो वाला रास्ता शिलोंग के सिटी के अंदर जाता है और ये रास्ता बाईपास सीधा होकर चिरापुंजी होकर त्रिपुरा साइड निकल जाएगा। उससे पहले आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा यार, केदारनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है और केदारनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। आपने जितने भी यूट्यूबर हैं जो एक नाथपूत हों या तो मनी बैग पेकर हैं अपने भाई और रोहित पहाड़ी ब्लॉग बोड़ो भाई, जितने भी अपने इंडियन हिचहाइकर कितने भी हैं, सभी केदारनाथ यात्रा के लिए निकल गए। मैंने उन लोगों को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि भाई साहब आप मुझे ले लो, मैं भी केदारनाथ जाना चाहता हूँ। तो किसी ने रिप्लाई नहीं किया यार। तो फिर मैंने सोचा कि यार ऐसा होता है, कोई रिप्लाई नहीं करता, देखते तो हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करते, और सभी यूट्यूबर साथ में घूम रहे हैं, कहीं अकेला नॉर्थ ईस्ट में घूम रहा हूँ। तो फिलहाल आप हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट घूमो, फिर अगले साल हो सकेगा तो चलेंगे। मेरा एक तमन्ना है कि इंडिया का हर कोना मैं विजिट करना चाहता हूँ यार। शायद अगर एक नाथपूत भाई ने अगर हमको रिप्लाई कर दिया होता तो मैं यहाँ से ट्रेन लेके फटाक से उनके पास चला जाता यार और केदारनाथ विजिट मैं भी कर लेता। फिलहाल हम अगले साल देखेंगे। बाहर का नज़ारा देख लो, अरे भाई क्या तगड़ा मौसम लग रहा है। तो इस तरफ है अपना चिरापुंजी, तो चिरापुंजी हम जाएंगे, वो पहाड़ देख रहे हो आप, वो पहाड़ इलाका हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके उस पार है चिरापुंजी और इधर से एक रास्ता जाता है अंदर शिलोंग सिटी की तरफ और ये रास्ता सिटी से बाहर लेके चला जाएगा आपको बाईपास तरफ। तो कितना अच्छा है कितना बेकार है आप व्यू देख के आप हमें कमेंट्स में बताओ। और इधर से हम आते हुए चले आ रहे हैं, तो अभी हमको चलना है इधर से नीचे। इससे पहले मैं हिचहाइक करूं, सबसे पहले मुझे नाश्ता करना है और हो सकेगा तो मैं अपना मोबाइल भी चार्ज कर लूँगा, क्योंकि अगर मेरा मोबाइल चार्ज नहीं रहेगा तो ये समझ लो मैं अंधा हो जाऊँगा। अंधे का मतलब अगर कोई जाहिल इंसान होता है तो अगर उसको कहीं पर लिखा होता है बोर्ड में लिखा हुआ है कि मुंबई का रास्ता इधर से दिल्ली का रास्ता इधर से, लेकिन फिर भी वो बंदा पूछेगा कि भाई मुंबई का रास्ता किधर से दिल्ली का रास्ता किधर से। उसी तरीके से हमको भी अगर मेरा पावर बैंक और मेरा चार्जर ख़त्म हो गया तो मैं मैप नहीं लगा पाऊँगा, तो भाई साहब मैं फिर 70 लोग से मुझे पूछना पड़ेगा भाई इधर का रास्ता किधर से उधर का रास्ता किधर से। तब यही नदी है देख लो, नदी का पानी तो बिल्कुल साफ़ है और नहाने में मज़ा आता है, नदी नहीं है बल्कि नाला का जैसा टाइप है। तो यहाँ पे मतलब शहर सिटी का पानी जो होता है म्यूनसिपाल्टी का जो होता है वो चीज़ नहाते हैं, यहाँ पे देखो सभी लोग नहा रहे हैं उधर पूरे। और यहाँ पे ज़्यादा जो कपड़े वाश करने वाले लोग होते हैं ना वो जगह जगह जाकर कपड़े वाश करते हैं ना, तो यहाँ पे वो लोग ज़्यादा हैं तो उन्हीं के लिए यहाँ पे है ये। तो मैंने सोचा चलो नहा लेते हैं, पानी भी साफ़ है अच्छा भी है, फिर वाटरफॉल में मौका मिलेगा वाटरफॉल में भी जाकर नहाएंगे मज़े के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी सफाई के लिए नहा लेते हैं ठीक है, क्योंकि 3 दिन से नहीं नहाया भाई, 3-4 दिन कुछ दिन ऐसे हो गए। तो चलते चलाते भाई 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ आया हूँ लेकिन अभी तक मुझे एक भी रेस्टोरेंट नहीं दिखा। और यहाँ के लोग का मानना है कि आप मत जाओ इसी जगह जहाँ पे आप फंस जाओ, 100 गाड़ी यहाँ पे चलती है तो 99 गाड़ी यहाँ पे टूरिस्ट चलती है, मैंने खुद देखा है। तो देखते हैं यार पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते। और मैंने अभी सिर्फ सुबह से चाय पिया है और अभी के 11:30 बज चुके हैं, मैं सोच रहा हूँ खाना खाने के बाद ही लिफ्ट मांगूँ यार। तो चलते चलाते ढाबा तो मिला नहीं लेकिन एक दुकान मिली है कुछ इस तरीके से।
यहाँ पे भाई आप तो खाना नहीं खा सकते, लेकिन चाय पानी नाश्ता कर सकते हैं। तो भैया जी से पूछा तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं है, और वो भी आज संडे, संडे के दिन तो जो होता है वो भी बंद है। तो फिर देखते हैं, चाय पानी पीते हैं, फिर आगे चलते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो वापस करेंगे। ये पूरा पहाड़ एरिया है ना, चिरापुंजी तक पूरा पहाड़ है, उसके आगे उसके आगे उधर बांग्लादेश। बांग्लादेश तो दूसरी जगह जाने के लिए वापस से जाना पड़ेगा इधर से, फिर रिटर्न त्रिपुरा वगैरह जाने के लिए उधर से। अच्छा मतलब चिरापुंजी लास्ट है, उसके बाद बांग्लादेश है, तो फिर से हमको वापस होना पड़ेगा। देखते हैं अगर जाएंगे तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, पहले चाय पानी नाश्ता करते हैं, थोड़ा इनर्जी आ जाए। तो लिफ्ट प्लीज करके अपना बन चुका है, अब यहीं से हम हिचाइक करने की कोशिश करेंगे। और दूर हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर आगे ज्यादा खतरीला है, तो अगर डायरेक्ट लिफ्ट मिलती है या अच्छी खासी लिफ्ट मिलती है तो मैं जाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं जाऊंगा। लिफ्ट प्लीज करके यहीं पर टाइम वेस्ट करता रहूंगा मेरा मतलब टाइम बिताता रहूंगा। चलो देखो कहाँ तक जाओगे सर? मैं थोड़ा आगे तक जा रहा हूँ। आप कहाँ तक जाओगे? चिरापुंजी जाऊंगा, वो भी लिफ्ट लेकर, हेल्प लेकर चिरापुंजी घूमने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा आगे तक आपको छोड़ सकता हूँ, डेस्टिनेशन बता सकता हूँ। चलो ठीक है, बैठ जाए। हाँ बैठ जाए। थैंक यू सर आपका गाड़ी रोकने के लिए। कोई बात नहीं, हम उस साइड तक जाते हैं ना। हाँ हाँ, तो हम आपको पक्का छोड़ देते हैं। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो भाई साहब आज की पहली लिफ्ट मिल चुकी है और हर जी ने लिफ्ट दे दिया, कुछ दूर जाएंगे उसके बाद हमको डेस्टिनेशन भी बता देंगे। वैसे हमने मैप भी लगाया है, फिर भी बता देंगे और अच्छा रहेगा। आप अकेले आए हैं? हाँ अकेले आए, घूम रहे हैं पूरा इंडिया। सो गुड यार। आप कहाँ के रहने वाले? मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, हाँ अच्छा। तो ढालो चलो साथ में जाओ। क्या बोल रहे? पेट्रोल में ढालो साथ में चलो। ठीक है तुम जाओ, मैं दूसरी गाड़ी देखती हूँ। भाई साहब ने हमको यहाँ पे तो उतारा था, लेकिन अभी वो बंदा एक गाड़ी को रुकाया था, लेकिन वो भी राइडर है, यहाँ पे राइडर लोग ज़्यादा चलते, वो बोल रहे हैं पेट्रोल डलाना पड़ेगा। तो मैं बोला भाई मैं बजट ट्रेवलर अगर मैं तेरे पे पेट्रोल डलाऊंगा तो फिर फ़ायदा ही क्या है मेरा, मैं फिर तो गाड़ी से चला जा सकता हूँ ना। तो अभी इस बहुत टाइम है, तो देखते हैं मांगते हैं। और भैया जी ने अपना नंबर भी दे दिया, बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना, और यहाँ पे आप रात में आकर रुक सकते हो, तो हम यहाँ पे आकर रुक सकते हैं। कोई ना कोई रोकेगा यार, अच्छा लगता है, मज़ा आता है, खुल के लाइफ जियो भाई। मौसम वेदर एक्सप्लोर करने में मजा आया लगे। लिफ्ट दे दोगे भाई? हाँ, मुझे चिरापुंजी जाना है। हाँ? चिरापुंजी आप जहाँ तक जा रहा हूँ वहीं तक ड्रॉप कर दो हमको, कर सकते हो? वीडियो ऑफ करो पहले। ओके भैया जी ने तो बोला था कि वीडियो बंद करो, वीडियो मत बनाओ, लेकिन मैं तुमको लिफ्ट दे दूंगा। तो उन्होंने लिफ्ट दे दिया और मैं शिलोंग से 22 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ, तो अभी भी यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास है। तो हिचाइकिंग करेंगे, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं, बाकी फिर आप लोगों से मिलेंगे। तो भैया जी वो रास्ते चले गए और बोले चिरापुंजी ये रास्ता से जाएगा, और एक मोबाइल का नेटवर्क तो मेरा चला गया, एयरटेल का नेटवर्क मेरा गया, और बाकी जो दूसरा नेटवर्क है जियो उसका भी 1 पॉइंट ही बचा है। लखनऊ लखनऊ यू नो हिंदी? Yes, I know. मुझे तो थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है। हम लोग भी तो, लेकिन आप लोगों के जैसे रहने से ना मुझे भी इंग्लिश आने लगेगा। इसलिए तो भाई आप उसकी फिर से एक लिफ्ट मिल गई है। तो भैया जी सर जी ने भैया जी बोलेंगे हम अपने भाई जैसे। तो एक कहाँ तक जाओगे आप? हम खाली मोमी थे जाएगा। अच्छा ठीक है, वहाँ से चिरापुंजी कितने किलोमीटर पड़ेगा? इधर से कम तो 10 किलोमीटर। थैंक यू सर। तो चलो 10 किलोमीटर भी वहाँ से पड़ेंगे, फिर तो फिर पहुँच ही जाएंगे हम कहीं ना कहीं से। तो किसी तरीके से भी
सलमान SALMAN बैक पैकर बैक BAG BAC BAC K बैक PA CKER CKER ओके ब्रदर ओके ग्रो होगा तो फिर ओके थैंक यू। तो भाई साहब ने हमको उतार दिया, तो यहाँ से अब 10 किलोमीटर है सिर्फ चिन्नापुंजी। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लूँ क्योंकि थका नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे कहीं मैं ट्राई मारता हूँ खाने के लिए फूड, उसके बाद फिर अपन ट्राई मारेंगे मोबाइल चार्जिंग लगाने के लिए यार, क्योंकि यही एक प्रॉब्लम है, अगर बैटरी लो हो गया तो भाई फिर तो काम ख़त्म हो जाएगा यार। इसलिए यहाँ पे किसी से हेल्प मांगता हूँ और 2-3 घंटे अपना मोबाइल चार्ज में लगा देता हूँ। ओके, यहाँ पे लोग इतनी ज़्यादा हेल्पफुल हैं कि बहुत जल्दी लिफ्ट मिल जाती है यार, 5-10 मिनट में लिफ्ट मिल जाती है, अच्छा लगता है ये चीज़ देख के, मज़ा आता है। तो यहाँ पे खाना भी मैं सोच रहा हूँ खा लूँ क्योंकि फिर आगे मिले या ना मिले। फूड रेडी? फूड टाइम लगेगा? राइस हाँ, खाना फूड टाइम लगेगा? आई डोंट अंडरस्टैंड, यू आस्क फ्रॉम देयर। हाँ थैंक यू ओके रुको। तो आंटी जी ने मना किया कि नहीं मैं नहीं लगा सकता, तो मुझे लगा कि मना करें, लेकिन उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे लाइट ही नहीं है क्योंकि वो एक छोटी दुकान है। तो मैं घर पे जाके किसी से पूछता हूँ कि भाई मेरा मोबाइल चार्ज लगा दो यार, नहीं तो वहाँ पे स्कूल है वहाँ पे देखता हूँ, अगर हो जाएगा तो काम बन जाएगा अपना। और क्योंकि भाई साहब सफ़र करने का मज़ा रास्तों का है, मंजिल का नहीं, मंजिल पर पहुँच के क्या करेंगे, तो हमको सिर्फ तो मज़ा लेना है रास्तों का। तो यहाँ पे हेल्प मांगते हैं किसी से। फिर जैसा होगा अपडेट देंगे, ठीक है, कि क्योंकि किसी के सामने कैमरा ओपन नहीं कर सकते ना भाई साहब। अंकल जी ने और भैया जी बोले कि अंकल जी बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने हमारी बात मान ली और पावर बैंक लगा दिया मेरा चार्जिंग में और बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार। यहाँ पे लोग कितने हेल्पफुल हैं यार, दिल गार्डन हो जाता है। और बहुत ही अच्छा लगा यार मुझे एक्सप्लोर करके। ये सामने स्कूल, अभी मैं वहाँ पे जाऊँगा थोड़ा आराम करूँगा क्योंकि वहाँ पे चार्जिंग लगा है और दूसरे के यहाँ पे मैं जाके थोड़ी ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता ना, तो वहाँ पे स्कूल में वहाँ पे वेट करेगा। आज संडे स्कूल भी क्लोज रहेगा, यहाँ पे खाना खाएंगे उसके बाद वहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो और मैं अपने माता पिता यानी कि अम्मी और पापा को और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमको पढ़ाया और पढ़ाया, क्योंकि अगर आज मुझे इंग्लिश नहीं आता, बिल्कुल फास्ट इंग्लिश नहीं आता, लेकिन थोड़ा आता है इंग्लिश मुझे, इसलिए आज मुझे सफ़र करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि हिंदुस्तान है यहाँ पे आपको हिंदी तो चलती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी पूरी तरीके से हिंदी नहीं चलती, थोड़ा थोड़ा आपको इंग्लिश आना चाहिए। तो अगर थोड़ा बहुत मुझे इंग्लिश नहीं आता तो फिर मुझे भी जो भैया जी ने लिफ्ट दिया था ना वो नहीं दे पाते, क्योंकि उनको प्रॉपर हिंदी नहीं आती तो वो भाषा समझ ना पाते तो फिर चले जाते। हिंदुस्तान में भी अगर रह के आपको इंग्लिश नहीं आती तो फिर आप कहीं जाके फंस सकते हैं, और बाकी उत्तर प्रदेश साइड में या बड़े बड़े शहर में तो जाके आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको और जगह हैं इंडिया में जहाँ पे वहाँ की लैंग्वेज चलती है, वो स्टेट की लैंग्वेज चलती है और यहाँ की स्टेट के आप दूसरे स्टेट के हिंदी जानते हो सिर्फ, तो इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, फुल नहीं आना चाहिए लेकिन थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, उससे चलेगा। तो मैं यहाँ पे खाना खा लेता हूँ पहले, ठीक है, हेल्प हो गया मेरा आंटी जी। तो अभी खाना रेडी हो गया आपका? डू ने हिंदी नो इंग्लिश? थोड़ा थोड़ा मैं भी थोड़ा। देखा भाई आंटी जी ने बोला ना, अभी मैं आप लोगों को बताया कि हिंदी नहीं चलता है हर जगह, लेकिन इंग्लिश चल जाता है हर जगह। तो खाने में है छोला, जो हमारे भाषा में बोलते हैं छोला, और ये चपाती जिसको बोलते हैं। अगर तुम ये चपाती खाओगे, टिकिया खाओगे तो आपके शादी के बाद आपको बिटिया होगी, ऐसा कहावत हमारे यहाँ। और एक छोला, और आंटी जी प्याज लाने के लिए। तो ठीक है अगर अभी खाना खाते हैं उसके बाद स्कूल में चलते हैं, 1-2 घंटे आराम करते हैं फिर चले जाएंगे, क्योंकि मंजिल में मुझे परवाह नहीं है, आज पहुँचे कि कल पहुँचे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब है कि मैं अभी पूरा नाश्ता पानी कर चुका हूँ और अभी के बज चुके हैं 2:30, यानी कि 2:30 बज चुके, 2:30 हो चुके हैं। और ये सामने स्कूल है, ये स्कूल का नाम है, ऐसे ऐसे भाषा में नाम है यहाँ पे। और ये अपना छोटा सा स्कूल है, बहुत प्यारा सा स्कूल है, गाँव के जैसा मेघालय का छोटा सा स्कूल, ये पूरा उसका ग्राउंड है। यहाँ पे छोटे छोटे थोड़ी दूर दूर पे घर बने हैं, और घर भी ऐसी जगह है
जिसके कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं है, कोई बुराई वगैरह नहीं है। तो चलो और थोड़ा बहुत इधर उधर देखेंगे। तो यहाँ पे हमको एक हेल्प हो सकता है कि अगर हमको लेटरिन बाथरूम करना हो तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन क्लोज है यार पूरा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से व्यू भी बहुत शानदार दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से तो यहीं पे कैंप लगाना बेटर रहेगा, बाकी फिर देखते हैं जो होगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा, मिल जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लो। तो इस तरीके से व्यू है और वो बंदा एक हमको देख रहा है। तो अभी के बज चुके हैं 5:30, 6 मिनट बचे हैं 5:30 बजने में, और मैं वहाँ पे देखो हमारा अपना बैग रखा है वहाँ पे, और ये रोड है, एक रोड इधर से गई है। तो मैं थोड़ा सा पीछे आ गया हूँ आप लोगों को व्यू दिखाने के लिए। तो व्यू देखो, और उससे भी बेहतरीन देखो, इसको क्या बोलते हैं, सनराइज़ कि सनसेट बोलते हैं यार उसको, दोनों को अब मैं क्लियर करूँगा उसके बाद बोलूँगा, मैं भी भूल गया यार, अब इतना ज़्यादा ध्यान तो मैं रखता नहीं सनसेट क्या है सनराइज़ क्या है। तो व्यू तो आप लोग देखो कितना अच्छा आ रहा है आप लोगों को, ये चीज़ आप हमें कमेंट्स में बताओ। और फिलहाल यार यहाँ पे टेंट लगाने के जगह तो है बहुत है, लेकिन ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, और अभी भी हमने पूछा नहीं है वहाँ पे कि हम टेंट लगा लें या ना लें, किससे पूछे, क्योंकि स्कूल बंद है, आज है संडे। और वहाँ पे देखो नहाने के लिए भाई, और अपना लैट्रिन बाथरूम कहीं भी कर सकते हो, पूरा जंगल एरिया है, कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई नहीं है। तो मैं सोचा थोड़ा टहलने के लिए आ गया, तो मैंने सोचा चलो यार, हिंदी आता है आपको, हिंदी आता है ना। यहाँ पे प्रिंसिपल की थे, स्कूल का प्रिंसिपल कहाँ है? ठीक है भाई साहब, तो जिस चीज़ का हमेशा होता है डर कि जब नाइट हो जाता है तो हर ट्रेवलर को यही होता है कि यार अब रात में रुकेंगे कहाँ, है ना? हाँ, कोई बात नहीं, हम हैं। हाँ, तो ये भैया जी हैं, भैया जी को देखो, और इन्होंने हमको बोल दिया है कि हम आपको अपने साथ लेके चलेंगे। हाँ ओके तो देखो यार, मैंने पहले ही बोला था कि मेघालय के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, आपको खुद पूछ के आएंगे कि आप कहाँ से हो, आपके हेल्प करने के लिए आएंगे। तो जैसे ये भैया जी हैं हमारे हेल्प किए, अभी अपने साथ हमको लेकर चल रहे हैं जहाँ मछली वगैरह ये देखते हैं, पालते हैं, ये हम कल आपको मॉर्निंग बताएंगे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद। तो फिलहाल अब हम इनके साथ चलते हैं। हाँ हाँ अच्छे से बताऊँ, क्या नाम है सरदार, क्या बोलता है आप हिंदी में, सरदार सरदार में क्या? हाँ सरदार, ये नहीं 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 उछू उछू हेड, उसका विलेज ना हेड में, हेल्प क्या बोलता है, हेड 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 क्या बोलता है, तू रूल में विलेज में, हाँ क्या बोलता है हिंदी में, हिंदी में मुखिया, मुखिया हाँ, जैसे कि जिसे इन्फॉर्मेशन लेना हो, हाँ 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 रूल रूल हाँ, इसलिए तो उछू भी मालूम है, हम तो मुश्किल हो गया, इसलिए तो हम यूट्यूब बोला कहूँगा, हम मत बोल दूसरा आदमी ना, मत बोल, यूट्यूब वाले को अलाउ नहीं करते हैं, यूट्यूब वाले बात नहीं, हम है तो कोई बात नहीं ना, नहीं तो इसे अलाउ नहीं करते, नहीं नहीं कुछ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, तो भाई साहब अभी तो चलो अब आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और भैया जी हमको अपने साथ लेके चल रहे हैं, तो कल नहाने के लिए यहाँ पे हो जाएगा ना, यहाँ पे नहा भी सकते हैं, नहीं नहीं मॉर्निंग, ओके नो प्रॉब्लम। तो भाई साहब यहाँ पे अगर मैं 1 महीना और रह लिया ना, तो मुझे इंग्लिश आने लग जाएगी यार, क्योंकि यहाँ पे अभी तक मैंने जितना बात किया ना 30% में हिंदी यहाँ के लोगों को आती नहीं, और इनके भाषा हमको समझ में आती नहीं, तो इनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है और मुझे थोड़ा बहुत आती है, तो बस हो जाता कॉम्प्रोमाइज़, और कॉम्प्रोमाइज़ करते करते हो जाएगा अपना लग इंग्लिश आने लगेगी, तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो हाँ हाँ, मैं तुम्हारा बहुत देर तक वेट किया था, फिर मुझे लगा आप किसी और रास्ते से चले गए हो। तो ठीक है गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, भैया जी के साथ जाते हैं नेट स्टे करते हैं, फिर जैसे होगा आप लोगों को कल बताएंगे।